पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कृतिका और मैं हूं पूनम वर्मा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में प्रशासकों का सम्मेलन आयोजित, जनता का विश्वास जीते प्रशासक की उठी गूंज। उत्तर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रीबू श्रीवास्तव पहुंची आबू रोड, कहा प्रेम और भाईचारे के बिना समाज का विकास असंभव। अंतर्राष्ट्रीय हरमन मैगजीन ने गॉडलीवुड को माना भारत का पहला बेहतरीन और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्टूडियो, देश के पहले कंसोल स्टूडियो का मिला खिताब। दिल्ली के शक्ति नगर में चिल्ड्रन कार्निवाल में बच्चों ने दिखाए हुनर, विजेता बच्चों को मिला पुरस्कार। कोलकाता के बारा नगर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान और रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में पीस प्रोजेक्ट कार्यक्रम का आयोजन। शिमला में यातायात प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण, तो रोहडू में एचआरटीसी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। और आध्यात्मिकता में बड़ी लोगों की रुचि, सोमनाथ से लेकर माउंट आबू मुख्यालय में अवलोकन करने वालों की संख्या लाखों में, व्यसन छोड़ने का भी लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रशासक प्रभाग द्वारा प्रशासकों के लिए 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आए मुख्य अतिथि दिल्ली के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राकेश मेहता, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगी नीलादी जानकी, प्यूरिटी मैगजीन के प्रधान संपादक ब्रह्मा कुमार बिजमोहन तथा प्रशासक प्रभाग की अध्यक्ष ब्रह्मा कुमारी आशा ने कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में जनता और सरकार के बीच की कड़ी प्रशासकों का सम्मेलन शुरू हुआ। समाज का पूरा ढांचा प्रशासक की नीतियों पर ही आधारित होता है। यदि देश व जनता का विकास करना है तो उसमें प्रशासकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसी विषय को लेकर प्रशासकों का सम्मेलन गंभीरता से चला। इसी विलुप्त आयाम की पुनर्स्थापना को ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रशासक प्रभाग ने पहल की और प्रशासकों के सम्मेलन में यह शिद्दत के साथ महसूस किया गया कि अब प्रशासकों को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना ही होगा। जिसका कोई नहीं होता उसके ही प्रशासक होते हैं। सम्मेलन में 3 दिनों तक मनन चिंतन में आए वक्ताओं ने मूल्यों को प्रशासनिक व्यवस्था में उतारने पर पुरजोर वकालत की। सम्मेलन का उद्घाटन करने आए दिल्ली एवं चंडीगढ़ के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राकेश मेहता ने कहा कि प्रशासकों को आने वाली जनता को हमेशा एक श्रेष्ठ भाव से देखना चाहिए, इससे ही सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित होगा। अपनी कार्यशैली से दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्भावना से ट्रीट किया जाना चाहिए कि उसे उसकी वाइब्रेशंस की टचिंग हो, इसलिए पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी चाहिए और नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं देनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति सरकार से संपर्क करता है तो इसलिए करता है क्योंकि उसे सरकार से काम है। केवल VIP रेफरेंस से मिलने से एक सही प्रथा नहीं है। सबके प्रति समान दृष्टि होनी चाहिए, सबको टाइम देना चाहिए और जवाब देते समय यह सोच होनी चाहिए कि मैं इस आत्मा की किस तरह से मदद कर सकता हूँ। उसको आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए और शरीर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आज के हमारे किसी भी समाज के सिचुएशन में 5 मेलेडीज काम कर रही हैं। पहली का नाम है काम। आपने गीता में पढ़ा होगा, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। नरक तो हमने बना ही लिया, द्वार के अंदर ही एंटर हो गए हैं। काम विकार से आज हमारे समाज में नारी का निरादर से लेकर और जितनी भी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होती हैं वो हो रही हैं और एक्सट्रीम पर हो रही हैं, आप जानते हैं। दूसरी वीकनेस है क्रोध। अब क्रोध तो लोग ये कहना शुरू कर दिया, देवताओं को भी क्रोध आता था। देवताओं को नहीं आता था, वो संपूर्ण निर्विकारी थे। तीसरा है लोभ, चौथा है मोह और लास्ट वाला अहंकार, डोमिनेंस, कि हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहता है और उसके नतीजे से शांति सुख सब भाग गया, तो ये गड़बड़ है। इसके साथ ही संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने कहा कि हम आत्मा है, इस भाव में रहने से अफसर और आम आदमी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन में होना जरूरी है। मैं कौन हूँ ये अंगुली, मैं कौन हूँ,
मेरा कौन है, मुझे कर्म ऐसे करना है जो कर्म का प्रत्यक्ष फल पांच बातें फायदे में है, अच्छे कर्म करने में सर्वशक्तिमान परमात्मा बाप के शक्ति से पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति हो सकता है ना, एक परमात्मा की शक्ति से। और कर्म में मुझे इंसान है, कर्म ऐसे करूं जो मुझे जो पवित्रता सुख शांति मिलेगा तो फिर मेरे को देख और कर्म करेंगे। जहां पर आउट ऑफ फियर नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पायर करता है जब भय नहीं है। परंतु भय के अतिरिक्त उसके अलावा प्रेम है, सद्भाव है, सहयोग है, जहां जबरदस्ती से नहीं परंतु सेल्फ मोटिवेटेड होने के कारण वो स्वयं उभर के वे मूल्य आते हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने प्रशासकों का खूब मनोरंजन कराया। चले प्रशासकों के सम्मेलन में सांस्कृतिक संध्या में देश के कई हिस्सों से आए कलाकारों ने ऐसी छटा बिखेरी कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। मूलनिष्ठ गीतों पर लोक नृत्य की प्रस्तुतियों से लोग भाव विभोर हो उठे। यही नहीं, पंजाबी से लेकर परंपरागत नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर बेहतर प्रशासन का भी संदेश दिया। चले इस सम्मेलन में कई गंभीर विषयों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें बेहतर निष्कर्ष के साथ सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन में आए अतिथियों को सम्मान पूर्वक विदाई भी दी गई। लेकर के ही जाएंगे प्रातः राकेश मेहता जी, प्रातः सत्यजीत ठाकुर जी, प्रदेश की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रीबू श्रीवास्तव 3 दिवसीय दौरे पर माउंट आबू पहुंची। इसके पश्चात उन्होंने संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन का भी अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात उन्होंने डायमंड हॉल में चल रहे योग शिविर में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश व विश्व को चलाने का असली मैनेजमेंट यहाँ सिखाया जा रहा है, इससे ही बेहतर समाज की स्थापना हो सकती है। कि बहुत सारी क्लासेस होती हैं, मैनेजमेंट क्लासेस जो इंजीनियर्स बनाती हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि जो इस देश को चलाते हैं, इस देश के विकास में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिनको एक नेतृत्व की क्षमता ऊपर वाले ने दी है, जिन्हें वो मौका दिया है पूरे देश को नेतृत्व करने का, उनको भी तो उन्हें भी ज्ञान कहाँ से सीखें, उनके लिए कोई मैनेजमेंट क्लास नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है, ये देश को नेतृत्व देने का मैनेजमेंट क्लास है। आप सब
पूरे विश्व को नेतृत्व करने वाले लोग हो। इस देश में आप जैसे लोग अगर जगह जगह जहां भी रहेंगे, कहते हैं कि दिया कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, जहां होता है वही रोशनी करता रहता है। आप सब वही दिया हो, जहां रहोगे वही रोशनी फैलाते रहोगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 120 करोड़ आबादी के सूत्रधार चंद्र नेता और अभिनेता नहीं हो सकते, हमारे अंदर का ज्ञान ही देश में मूल्यों की क्षति को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। कि देश का शासन प्रशासन और नेता क्या करेंगे, 120-125 करोड़ की आबादी वाला ये देश, हम नैतिक मूल्यों को अगर ऊपर नहीं उठाएंगे तो इस देश में चंद नेता चंद अधिकारी हमारे 120 करोड़ देश की जनता के सूत्रधार नहीं हो सकते। हमारे अंदर का ज्ञान है जो हमें ऊपर उठाता है, हमारे अंदर का ज्ञान है जो हमें गलत काम करने से रोकता है, और वही इस देश में सारी बुराइयों के का अंत हो सकता है जब हम अपने नैतिक गुणों को ऊपर उठाएंगे। और नैतिक गुणों को ऊपर ऐसे तो नहीं उठाएंगे, वो तब उठाएंगे जब हम ब्रह्म कुमारीज की क्लास में आएंगे और उनकी सेवा में आएंगे। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री का संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे। वे शांति वन की व्यवस्थाओं को देखकर अभिभूत हो उठे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन में नवनिर्मित गॉडलीवुड स्टूडियो को अंतर्राष्ट्रीय हरमन मैगजीन में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। यही नहीं, हरमन कंपनीज ने यहां के सेटअप और तकनीकी से परिपूर्ण भारत का पहला मिक्सर इंस्टॉलेशन स्टूडर के रूप में ब्रांड किया है। इस स्टूडियो में विश्व स्तरीय अति आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। ने विश्व में सबसे लेटेस्ट स्टूडर मिक्सर डिजिटल जो हरमन कंपनी ने बनाया है, हम लोगों ने पसंद किया, और उसके द्वारा हम जो भी कार्य का प्रोडक्शन करेंगे वो विश्व में कहीं पर कोई भी जगह में किसी भी चैनल पर बिना किसी रोक टोक से स्वीकार होगा। स्टूडियो का निर्माण आध्यात्मिकता और राजयोग ध्यान को पूरे विश्व में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। स्टूडियो के मैनेजिंग ट्रस्टी ब्रह्मा कुमार रमेश शाह तथा निदेशक ब्रह्मा कुमार हरिलाल के निर्देशन में एक वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया है। आज यहाँ पर भारत के लगभग सभी भाषाओं में कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। कई आने वाले मेहमान स्टूडियो को देखने के बाद हमें प्रश्न करते हैं कि इस आध्यात्मिक संस्था ने क्यों इतना बड़ा स्टूडियो बनाया। स्टूडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, हम लोगों के घर घर में पहुंचकर हमारे प्रभु का संदेश जीवन उच्च बनाने का देने चाहते हैं। इसमें कोई भी व्यापारी व्यवसायिक इंटरेस्ट नहीं रहा हुआ है, किंतु बिना किसी खर्च में लोगों के घर में प्रभु का संदेश पहुंचे, ये एक ही मकसद से हमने इस स्टूडियो का निर्माण किया हुआ है और आधुनिक तकनीकी साधनों का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। दिल्ली के शक्तिनगर स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में स्कूली बच्चों के लिए समर कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे शरीक हुए। बच्चों के लिए बौद्धिक स्पर्धा से लेकर नृत्य नाटिका और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। उछलते कूदते ये बच्चे केवल बच्चे नहीं बल्कि नए भारत की तस्वीर बना रहे हैं। नाम केवल समर कार्निवल का था, परंतु इनके अंदर मूल्यों के प्रति बढ़ावा देने की योजना थी। इन बच्चों ने न केवल प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी निभाई बल्कि अपने हुनर और गुर से ऐसी प्रस्तुतियां दी जिससे यह साबित हो गया कि ये बच्चे आने वाले कल की तस्वीर हैं। कार्निवल में आए बच्चों में से विजेता बच्चों को पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही उन्हें जीवन को प्रभावित करने वाले संग दोष से बचने की सलाह भी दी गई।
लिए आलस्य और अंधेरापन हम बच्चों के अंदर बिगड़ डालता है। क्या बिगड़ डालेगा कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, किस तरह से फेल कर लेंगे, तो होता क्या है कि आज का काम कल कर मत छोड़ो, आज का काम आज ही करो, ठीक है। तो आज जो हमने यहाँ सीखा है उसको हमें अपने जीवन में उतारना है, और उतार करके जो हमने लिया है वो हमको देना भी है, तो देंगे तो क्या होगा, यही परिवार जो है हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ये समाज हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कोलकाता के बारानगर स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आनंद आश्रम श्रद्धा विद्यापीठ स्कूल में बच्चों के लिए पीस प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराज स्वामी अरुणात्मानंद श्री श्री निगुणानंद रोटरी क्लब के सचिव तापस कुमार भट्टाचार्य ने भाग लिया तथा बच्चों को प्रेरणादायी विचारों से संबोधित किया। वहीं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के बीके पिंकी ने भी बच्चों को ईश्वरीय संदेश देकर उन्हें श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ब्रह्मा कुमारी संस्था के यातायात प्रभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के मुख्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक बीरी सिंह ने कहा कि यह प्रशिक्षण बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। वहीं प्रशिक्षक यातायात प्रभाग के मुख्यालय संयोजक ब्रह्मा कुमार सुरेश शर्मा ने तनाव के कारण और उसके निवारण पर बारीकी से प्रशिक्षण दिया। वहीं रोहड़ू में भी एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मुख्य यातायात तथा उपखंड अधिकारी यशपाल सिंह ने सुरक्षित यातायात के बारे में जानकारी दी। दिनों दिन आध्यात्मिकता के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडा भवन स्थित यूनिवर्सल पीस हॉल का अवलोकन करने वालों की संख्या 2,15,000 तक पहुँच गयी और 2,000 लोगों ने नशा भी छोड़ने का संकल्प लिया। वहीं पीस पार्क में विजिटर्स की संख्या 2,17,000 है तथा व्यसन छोड़ने वालों की संख्या भी 617 तक पहुंच गई। ज्ञान सरोवर को 60,000 लोगों ने निहारा तथा आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में नशा छोड़ने का संकल्प लिया। संस्थान के सबसे बड़े कैंपस आबू रोड स्थित शांतिवन का अवलोकन करने वालों की संख्या 23,000, व्यसन दान करने वालों में 149 लोग शामिल हुए तथा अनुभूति करने वालों की संख्या 2,315 लोग के पार कर गई। ऐसे ही गुजरात स्थित सोमनाथ आर्ट गैलरी देखने वालों की संख्या 4,02,632 हो गई है, जबकि उड़ीसा के पूरे स्थित राजयोग संग्रहालय को 1,500 लोगों ने देखा और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की जानकारी या खबर हो